हेलो, चलिए आज प्रूव करते हैं ये बेहतरीन टू प्रूफ। सो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है जहां पे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। अब इस तरह के काफी सम हमने पहले ही किए हैं, मैंने किया है ना डिस्कस, और वहां पे हमने अप्रोच भी डेवलप किया है कि जब भी ऐसे सम्स दिए होंगे हमें पहले साइड सेलेक्ट करना होता है, मतलब ये डिसाइड करना होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे या राइट हैंड साइड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर सम में लेफ्ट हैंड साइड ही सेलेक्ट करना है, बट ज्यादातर सम में हम लेफ्ट हैंड साइड ही सेलेक्ट करते हैं। बट इसका रीजन क्या है, कैसे करते हैं, ये मैंने सिखाया हुआ है। और मैंने हमेशा कहा है जो छह रेशियोज हैं, जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें से जो पहले दो रेशियोज है साइन एंड कॉस, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रेशियोज। ये हमारे डिस्कशन के लिए है, बुक में कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी रेशियोज। और जो कोसेक, सेक, टैन एंड कॉट है, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रेशियोज। तो ये क्यों कहा है, देखिए अब ये हेल्प करेगा हमें सेलेक्शन में। आप पहले तो सम देखिए और ये देखिए कि कौन से साइड में, ऐसा साइड सेलेक्ट कर दीजिए जहां पे सेकेंडरी रेशोस है। ओके, सेकेंडरी रेशोस है मतलब कोसेक, सेक, टैन एंड कॉट। तो आप देखोगे यहाँ पे तो टैन सेक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी है और कोसेक जो है वो राइट हैंड साइड में भी है, मतलब सेकेंडरी रेशो लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है। तो हम क्या करें, ओके, ऐसे केस में अगर दोनों साइड में सेकेंडरी रेशियोज है तो फिर ऐसा साइड सेलेक्ट करें जहां पे आप ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हो, ज्यादा स्टेप्स कर सकते हो। हाँ, अब तो हमें पता है राइट है, बिकॉज हम राइट हैंड साइड में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कोसेक ए को 1/sin ले सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। दैट मीन जाहिर सी बात है हमें लेफ्ट हैंड साइड ही सेलेक्ट करना होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, टैन ए अपॉन सेक ए माइनस वन प्लस टैन ए अपॉन सेक ए प्लस वन, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब आप बोलोगे हाँ, अभी ये सेकेंडरी रेशियोज है, इसे प्राइमरी रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, पहले ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए। ओके, अभी इस एक्सप्रेशन में आप बोलोगे फर्स्ट एक फ्रैक्शन है प्लस नेक्स्ट एक फ्रैक्शन है। ओके, इस एक्सप्रेशन को क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ओके, आप बोलोगे हाँ, दोनों फ्रैक्शन में आप बोलोगे न्यूमरेटर में टैन है, टैन ए है, तो हम टैन ए को क्या कॉमन ले सकते हैं? वेरी गुड, तो हम टैन ए को अब कॉमन लेंगे। तो अगर टैन ए को कॉमन लेंगे तो मुझे बताइए फर्स्ट फ्रैक्शन में अब क्या बचेगा, टैन ए बाहर आ गया है तो न्यूमरेटर में है वन, दैट मीन्स बचेगा वन अपॉन सेक ए माइनस वन, ब्यूटिफुल। प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में क्या होगा, टैन ए बाहर लिया है हमने तो न्यूमरेटर में होगा वन और डिनोमिनेटर में होगा सेक ए प्लस वन, ब्यूटिफुल। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है, तो हमने लिखा टैन ए अपॉन वन अपॉन सेक ए माइनस वन प्लस वन अपॉन सेक ए प्लस वन, वेरी गुड। तो ये समझ आ गया ना क्यों हमने, हाँ कभी भी याद रखना एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते कॉमन लेके तो जो हमें सॉल्व करना है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, हमेशा याद रखना ये फर्स्ट है। ओके, तो चलिए अभी आप बोलोगे हाँ ब्रैकेट के अंदर जो है क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ। अब ब्रैकेट में जो है यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और हमें इन्हें ऐड करना है, तो आप बोलोगे अगर ऐसा है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। ओके, अभी डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, सेक ए माइनस वन इंटू सेक ए प्लस वन। ओके, तो अब मुझे बताइए आगे कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे बहुत सिंपल है, वन इंटू सेक ए प्लस वन क्या आएगा, सेक ए प्लस वन प्लस वन इंटू सेक ए माइनस वन कितना आएगा, सेक ए माइनस वन, सुपर। अब देखिए अब आप बोलोगे हाँ हमें सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखिए तो आप बोलोगे हाँ प्लस वन माइनस वन है वो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स अभी क्या मिलेगा, टैन ए वुड रिमेन एज इट इज, ऐसे ही रखेंगे। और न्यूमरेटर में क्या है, सेक ए प्लस सेक ए, अब मुझे बताइए सेक ए प्लस सेक ए क्या है, तो आप बोलोगे वो है टू सेक ए, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, सेक ए माइनस वन इंटू सेक ए प्लस वन। अब इसे ध्यान से देखिए, दो ब्रैकेट्स हैं जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में है सेक ए माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस वन, सेक ए सेक ए सेम है, फर्स्ट टर्म सेम है, दूसरे ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड टर्म सेम है, और क्या है देखिए कैसा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये फॉर्म में, मतलब इज इट इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या ये फॉर्म में है, आप बोलोगे हाँ है।
तो अगर एक्सप्रेशन वो फॉर्म में हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, दैट मींस ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर, माइनस वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर मतलब माइनस वन आ जाएगा। वेरी गुड, तो देखिए अब तो हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप बोलोगे इसके आगे क्या कर रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, अभी जो है tan a into 2 sec a upon denominator में है sec square a minus 1। अब याद रखिए जब भी हम सॉल्व करते करते, हम ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं, हम ये सॉल्व कर रहे हैं सो दैट हम राइट हैंड साइड लेके आए, ओके, तो हमेशा राइट हैंड साइड को देखते भी रहे। अब यहाँ पे क्या है sec square a, अब जैसे आप सॉल्व करते करते आपको अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर मिल जाता है, जैसे यहां पे मिला है sec square a, जैसे ये आता है तो आपको याद आना चाहिए तीन आइडेंटिटीज याद आ रहे हैं, यस तीन आइडेंटिटीज याद आएंगे आपको, यस तीन आइडेंटिटीज है और ये पांच रिलेशन है, इसके अलावा हम एक्चुअली ये सॉल्व करते समय और कुछ भी यूज नहीं करते, सब एकदम सिंपल सिंपल वही है, ओके वेरी गुड। तो आप बोलोगे sec square a ये कौन से आइडेंटिटी में दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ सेकेंड आइडेंटिटी में दिख रहा है, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, उसी में से अब मुझे बताइए आप sec square a minus 1 का वैल्यू हमें चाहिए, तो sec square a minus 1 क्या होगा, sec square a minus 1 will be tan square a, very good, that means हम इसके जगह पे tan square a लिख सकते हैं, बट रीजन लिखना होगा हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, 1 plus tan square a is equal to sec square a, अब ये a है यहाँ पे थीटा, तो वही लिखना है, थीटा मत लिखना, ओके, तो यहाँ पे अभी क्या मिला हमें, इससे हमें पता चला कि tan square a is equal to sec square a minus 1, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट किया, वेरी गुड। अब क्या करना है, आपने आइडेंटिटी यूज कर लिया, समझ आया ना क्यों किए, ओके नेक्स्ट, अब आप बोलोगे ओके अभी हमें सिंप्लीफाई करना है, क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ इधर tan a है इधर tan square a है, ओके tan square a का मतलब है tan a into tan a, तो एक tan a डिनोमिनेटर का और ये tan a न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वो स्क्वायर को कैंसिल कर लीजिए, तो अब बचा क्या है, हमारे पास बचा है 2 sec a upon tan a, अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें 2 cosec a लाना है, तो आप बोलोगे 2 2 तो आ गया मतलब sec a upon tan a को सिंप्लीफाई करके हमें cosec a आ जाएगा, ये तो हमें पता है, पर अगर ये लाना है मतलब जाहिर सी बात है हमें sec a और tan a को क्या लिखना होगा, यस प्राइमरी रेशियो में, दैट मींस मुझे ये बताइए हम sec a को क्या लिखेंगे, sec a को लिखेंगे 1 अपॉन cos a और tan a को क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a, मतलब इस फ्रैक्शन में अब आप न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन लिखने वाले हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन लिखने, और मैंने कहा है हमेशा एक फ्रैक्शन में अगर और फ्रैक्शन आता है तो हमें हमेशा इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना होता है, मतलब न्यूमरेटर को आप अलग से लिखिए 2 sec a, अपॉन का मतलब लिखेंगे डिविजन साइन और डिनोमिनेटर का जो है tan a लिख लीजिए, लिख लिया, अब कीजिए उसको, अब इसको लिखिए प्राइमरी में, क्या लिखोगे 2 will remain as 2 sec a को क्या लिखोगे 1 अपॉन cos a, मतलब आएगा 2 into 1 अपॉन cos a, मतलब अपॉन cos a, अब इसके बाद क्या लिखोगे डिवाइडेड बाय tan a का मतलब होता है sin a अपॉन cos a, वेरी गुड, अब कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब आप बोलोगे हाँ अब ये डिविजन है, डिविजन को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, तो sin a अपॉन cos a का रेसिप्रोकल होगा cos a अपॉन sin a, वेरी गुड, लिख लिया, अब मुझे बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ cos a cos a gets cancel, क्या बचा 2 अपॉन sin a, वेरी गुड, तो आप बोलोगे हमें 2 की जरूरत थी, 2 तो है बट हमें 2 इंटू cos a की जरूरत है राइट हैंड साइड में, अब देखिए ये 2 अपॉन sin a का मतलब क्या है, 2 विल रिमेन एज 2 इंटू 1 अपॉन sin a, है ना, अब 1 अपॉन sin a क्या है, 1 अपॉन sin a मतलब cos a के, अगेन रिलेशन, तो लिखे 2 विल रिमेन एज 2 एंड 1 अपॉन sin a के जगह हम लिखेंगे cos a के और हमें राइट हैंड साइड मिल गया है, सो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया है, दैट मींस हमने प्रूव कर लिया है, तो हो गया ना, बट क्या आप यहां पे छोड़ दोगे सम को, नहीं, मैंने हमेशा कहा है जब भी आप टू प्रूफ सम सॉल्व करते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले सम सॉल्व करते हो तो आपको फिर से उस
टू प्रूफ को पूरा से लिखना है, बिकॉज हमने ये बताना है हमने प्रूफ क्या किया। इसका मतलब लिखोगे देयरफॉर टैन ए अपॉन सेक ए माइनस वन प्लस टैन ए अपॉन सेक ए प्लस वन इज इक्वल टू टू कोसेक ए, ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब मुझे बताइए इजी था ना। तो ये जो मैंने कहा है प्राइमरी रेशियो सेकेंडरी रेशियो साइड सेलेक्शन क्या करना है, ये अगर और डिटेल में आपको समझना है तो पहले जो मैंने वीडियोस किए हैं जहां पे स्टार्ट में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है और उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है तो वो सम्स देखिए तो आपको ये प्रोसेस और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा, अब आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके फ्रेंड्स को भी कॉन्फिडेंट बनाइए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद तो आया ही होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा है ना, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन टू प्रूफ सम सेम चैप्टर से। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।